आमिर खान की ये रोते हुए की तस्वीर कल अचानक मेरे नजरों के सामने आ गई। साला मैंने भी सोचा भाई साहब कि पता नहीं इस बेचारे के साथ आखिर ऐसा क्या ही हो गया। लेकिन जब पता चला तो जानते हैं बात क्या निकल कर सामने आई कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर, बोले तो 11 अगस्त के दिन, गरीब खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आ रही है और हमारे गरीब खान अपनी फिल्म को देखते हुए गरीबों और बेहद बेचारों वाली हरकत करने लग गए। इन्हें बड़े अच्छे से पता था कि आसपास ढेरों फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं और डेलिबरेटली ये अपनी फिल्म को देख रोने लग पड़े। अच्छा। और तो और, अभी ये अपनी फिल्म को देख बाहर तक नहीं निकले थे कि इनके भाड़े के टट्टुओं द्वारा, बोले तो इनके पीआर द्वारा, इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से स्प्रेड करवाना शुरू कर दिया गया, ताकि जब देश की हमारे आपकी जैसी भोली भाली जनता इस तस्वीर को देखे तो ये सोचे कि साला ये फिल्म कितनी ही कमाल की होगी कि खुद उस फिल्म का हीरो ही अपनी फिल्म को देखकर रोने लग पड़ा। जनता की नजरों में ये एड़ा बनकर पेड़ा खाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ऐसी हरकतें ये सो कॉल्ड स्टार्स साले तभी करते हैं जब इनकी कोई फिल्म आसपास हो, ताकि थोड़ी बहुत सस्ती पब्लिसिटी के साथ ही साथ सिंपथी भी फ्री में मिल जाए, लोगों के अंदर इनकी फिल्म के प्रति इंटरेस्ट जाग जाए। लेकिन भाई साहब, बंगाली भाषा में एक बेहद प्रसिद्ध कहावत है कि बुद्धि थाकले काज होबे, बोले तो अक्ल के बिना कोई काम नहीं होता। जब आपके गरीब खान वहां बैठकर गजब के ड्रामे पेल रहे थे, अपनी आंखों से टसुए बहा रहे थे, उसी वक्त ठीक बगल में बैठी इस फिल्म की लीड हीरोइन यानी कि करीना कपूर एक लंबी नींद मार रही थी भाई साहब, बोले तो सोई हुई थी। ये आप लोगों ने आखिर कैसी टट्टी फिल्म बना डाली कि खुद इस फिल्म की हीरोइन को ही बैठे बैठे नींद आ गई। जब खुद इस फिल्म को देख आप लोगों का ही ये हाल है, तो जो जनता इसे अपने पैसे खर्च कर कर देखने जाएगी आखिर उनका क्या होगा? भाई साहब, आपको हमारा देश सेफ नहीं लगता? आप सत्यमेव जयते जैसे शोज में बैठकर बड़ी बेशर्मी के साथ तलाक जैसे मुद्दों पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और खुद दो दो बीवियों को डाइवोर्स देकर उनसे बच्चे पैदा कर कर अब अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करने के ख्वाब बुन रहे हैं। अरे वाह रे तेरी शोदेगिरी, मानना पड़ेगा रे गरीब खान। आमिर खान की और उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या फिर टिकट के उन्हीं पैसों से किसी गरीब को खाना खिलाएंगे? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।